है कि फिर से कहीं कोई विवादों में ये ना फंसे, क्योंकि लगातार इसे लेकर अभ्यर्थी कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रहे हैं। अपर कोर्ट तक भी अभ्यर्थी गए हैं और लगातार जेपीएससी की तमाम परीक्षाएं इसी तरह विवादों में रही हैं। अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद छठी जेपीएससी के संशोधित परिणाम जारी किए गए हैं। जेपीएससी के वेबसाइट पर जाकर अभ्यर्थी इस परिणाम को देख सकते हैं। सहयोगी शहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहनवाज का रुख करते हैं। शहनवाज, तमाम परीक्षाएं जेपीएससी की विवादों में रही हैं। अब इन विवादों के बीच में छठी जेपीएससी का संशोधित परिणाम जारी कर दिया गया है, क्या कुछ और अपडेट है आपके पास? क्या आपको शहनवाज आवाज मिल पा रही है? जी बताइए। हाँ बताइए शहनवाज, छठी जेपीएससी के संशोधित परिणाम को जारी कर दिया गया है। लगातार विवादों में रहने वाली जेपीएससी अब संशोधित परिणाम जारी कर चुकी है, क्या कुछ और अपडेट है? बिल्कुल, इसे इत्तेफाकी कहा जाएगा कि भी सातवीं जेपीएससी की जो मेंस परीक्षा है वो आज से शुरू हुई है, जो 13 मार्च तक चलना है। इस बीच अब से थोड़ी देर पहले जेपीएससी ने यानी झारखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट में 6 जेपीएससी का रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इसमें इस बात का मेंशन किया गया है कि झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये संशोधित रिजल्ट निकाला गया है। लेकिन सबसे खास और अहम बात यह है कि पिछले दिनों जिस तरह से सिंगल बेंच के ऑर्डर को ही डबल बेंच ने अपहोल्ड किया और उसको आगे कंटिन्यू किया, उसके बाद ये कहा गया था कि 6 जेपीएससी के रिजल्ट को निरस्त किया जाए और नए सिरे से जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाए। अभी जो कई छात्रों से बात हुई है, उन लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये कोर्ट के आदेश की अवमानना हो रही है, डिफामेशन हो रहा है। यानी कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा है कि पहले आप रिजल्ट को निरस्त कीजिए, फिर से मेरिट लिस्ट तैयार कीजिए। लेकिन यहाँ रिजल्ट को निरस्त नहीं किया गया है, बल्कि बिना किसी बुनियाद के आधार पर यानी फिर से नए सिरे से एक मेरिट लिस्ट तैयार कर दी गई है। ऐसे में जो छात्र नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि वो फिर से एक बार कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। और अहम और ज़रूरी बात यह भी है कि अगले सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई है। दरअसल पिछले दिनों जिस तरह से 326 जो सफल अभ्यर्थी थे उनके खिलाफ कहीं ना कहीं निर्णय झारखंड हाईकोर्ट का गया, जिसके बाद वो अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गए, उसके पीछे ही जो दूसरे याचिकाकर्ता है वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जिसकी सुनवाई बताई ये जा रही है कि वो सोमवार को सुनवाई होनी है। लिहाजा इस बीच में इस तरह से रिवाइज रिजल्ट निकाल देना कहीं ना कहीं अब और एक विवाद को कहीं ना कहीं विस्तार देगा, उसको और कहीं ना कहीं इनकरेज करेगा। जहाँ तक तथ्यों की बात है तो ये कुल 326 पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन हुए थे। 2016-17 का ये विज्ञापन था और जून के महीने में पिछले साल जून में ये सिंगल बेंच ने इस निर्णय को दिया था कि इस पूरी परीक्षा प्रक्रिया को रद्द करके नई मेरिट लिस्ट तैयार की जाए। और पिछले दिनों 23 फरवरी को उसी सिंगल बेंच की के आदेश को होल्ड करते हुए, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए डबल बेंच ने इसी को कंटिन्यू रखा और कहा कि इस परीक्षा को निरस्त करते हुए नई सिरे से मेरिट लिस्ट तैयार की जाए। अब छात्र इस बात को कहीं ना कहीं रिपीट कर रहे हैं कि ये डिफामेशन का केस बनेगा, क्योंकि बिना आपने रिजल्ट को निरस्त किए हुए नए सिरे से मेरिट लिस्ट निकाल दिया है, लिहाजा आप कहीं ना कहीं से एक बार से फिर वो छात्र कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अब ये देखने वाली बात होगी। यानी शहनवाज, ये विवाद थमता हुआ नजर नहीं आता है, कोर्ट का आदेश आता है, जेपीएससी उस पर एक्ट करती है, लेकिन फिर टेक्निकल खामी होती है, फिर अभ्यर्थी और छात्र कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और इसी तरह जेपीएससी के कई मामले पड़े हुए हैं। बिल्कुल, छात्रों का ये भी कहना है कि जब आपने रिजल्ट ही निकाला है तो उससे पहले इंटरव्यू होना चाहिए, तो पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए था, लेकिन आपने इंटरव्यू भी नहीं लिया और बिना किसी बुनियाद के आधार पर आपने मेरिट लिस्ट तैयार किया। इससे साफ अर्थ निकलता है कि कोर्ट के कहीं ना कहीं यह अवमानना हो रही है। जहाँ तक विवादों का सवाल है तो विवादों से नाता आप पता है कि किस तरह से गहरा है और किस तरह से मजबूत है, ये सभी के सामने है। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये हो जाता है कि क्या 6 जेपीएससी को लेकर के जिस तरह
से याचिकाकर्ता हाईकोर्ट गए और वहां से कहीं ना कहीं उनको एक न्याय मिला। अब उस न्याय के बाद जिस तरह से आयोग ने उन तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की है, जैसा छात्र आरोप लगा रहे हैं कि बिना किसी प्रक्रिया को अपनाए हुए या बिना इंटरव्यू किए हुए आपने मेरिट लिस्ट तैयार कर दिया है, कहीं ना कहीं ये कोर्ट के सामने ये डिफामेशन का केस बनेगा। लिहाजा आप देखने वाली बात यह होगी कि छात्र क्या इस रूप में जाते हैं कि नहीं है। जहां तक सेवन जेपीएससी का सवाल है तो उसकी मुख्य परीक्षा भी चल रही है, 13 मार्च तक चलेगी। आपको पता है कि पीटी के जो रिजल्ट आया वो मामला कहीं ना कहीं कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा और कोर्ट में यह मामला कहीं ना कहीं विवादों में रहा। उसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद संशोधित रिजल्ट निकालना पड़ा पीटी का, और उसी संशोधित रिजल्ट की बुनियाद पर अब मुख्य परीक्षा हो रही है। लेकिन 6 जेपीएससी में यह मामला बिल्कुल अलग था, वहां जो फाइनल रिजल्ट आया था उसका संशोधित रिजल्ट निकाला गया है। अब वो रिजल्ट कितना विवाद को शह देता है, कितना आगे वो बढ़ता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन 6 और 7 दोनों जेपीएससी की जो परीक्षाएं हैं अभी ये कहीं ना कहीं एक विवाद के दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक देते हुए नजर आ रहे हैं। जी चलिए, तो एक विवाद थमता है नहीं कि जेपीएससी का दूसरा विवाद शुरू हो जाता है। अब 6ठी जेपीएससी के जो संशोधित परिणाम जारी हुए हैं उससे लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी है कि पहले परिणाम को निरस्त नहीं किया गया है और संशोधित परिणाम जारी कर दिया गया है। ऐसे में एक बार फिर से कोर्ट के दरवाजे तक अभ्यर्थी पहुंचने को मजबूर है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज इस तमाम जानकारी के लिए। 6ठी जेपीएससी का संशोधित रिजल्ट जारी किया है जेपीएससी ने, हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद ऐसा किया गया है, लेकिन इसमें भी कई टेक्निकल खामियां हैं जिसे लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी है और फिर से वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर हैं।